जो जैसा दिखता है वो वैसा ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और कई बार आपको जीवन में ऐसे अनुभव भी आए होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि ये बात केवल हम इंसानों पर ही लागू नहीं होती। प्रकृति में रहने वाले कीट प्राणी ये भी हमसे छलावा कर सकते हैं। दिखते तो कुछ और हैं, मगर असलियत में होते कुछ और ही हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्राणियों के बारे में। धोखेबाज मक्खी। ये है धोखेबाज मक्खियाँ, क्योंकि ये जैसी दिखती हैं वैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि असली बी और नकली बी का पता कैसे लगाया जाए। बड़ा आसान है, इन्हें खुला छोड़ दे, काट लिया तो असली है और उड़ गई तो नकली। चलिए ये तो मजाक था, पर क्या एक साधारण मक्खी कभी एक मधुमक्खी होने का नाटक कर सकती है, या फिर कोई जहरीली और खूंखार मक्खी होने का मास्क पहन सकती है? ये जीव है हॉवरफ्लाई। ये दिखने में बिल्कुल किसी बी या वास्प की तरह दिखाई देती है, लेकिन ये सब केवल एक छलावा होता है अपने दुश्मनों को डराने का, क्योंकि असल में तो इसके पास डंक तक नहीं होता, तो जहर का होना तो बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन फिर भी ये एक खतरनाक मक्खी होने की इतनी अच्छी एक्टिंग करती है कि कभी कभी तो ये मधुमक्खी के छत्ते में घुसकर आराम से रह भी लेती है, जैसे कि ये कोई मधुमक्खी ही हो। रॉबर फ्लाई भी इसी तरह की लाइफस्टाइल अपनाती है, लेकिन ध्यान रहे कि ये हॉपर फ्लाई की तरह हार्मलेस नहीं है, ये एक बेहद जहरीली मक्खी है। इनका डंक भंवरे के डंक जितना तेज होता है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रॉबर फ्लाई भंवरा यानी कि बम्बल बी है। लेकिन रॉबर फ्लाई बहुत ही अच्छे से जानती हैं कि अपने बचाव के लिए बम्बल बी होने का नाटक कैसे किया जा सकता है। फीमेल रॉबर फ्लाई अपने अंडे मधुमक्खी के घोंसलों में ही रखती है, जिसकी मधुमक्खियों को भनक तक नहीं पड़ती, और जब ये नकली मधुमक्खी बने अंडे फूटते हैं तो इनमें से निकले बच्चे मधुमक्खियों के बच्चों को ही अपने भोजन का हिस्सा बना लेते हैं। हुई ना ये धोखेबाज मक्खियाँ। और ये है मिमिक्री चैंपियन। चलिए देखते हैं कि अब तक आपने जीवों को पहचानना कितना सीखा। अब जरा इस तस्वीर को देखकर बताइए कि इन तीनों में से किस तस्वीर में ऑर्किड के फूल है और किस में कोई कीट है। और इसके लिए आपको मिलते हैं 2 सेकंड। 1 2 नहीं पहचान पाए ना? आप अकेले नहीं हैं जो इसमें से फूल और कीड़े को अलग नहीं कर पाए। हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे इंसेक्ट्स की जो इन फूलों की इतनी अद्भुत मिमिक्री करते हैं कि इन कीट और फूलों में अंतर कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। ये एक प्रकार का टिड्डा या कीड़ा होता है, जिसकी अनेक प्रजातियाँ और रंग होते हैं। ये अगर फूलों या पत्तियों में बैठे हो तो इन्हें फूल पत्तियों से अलग देख पाना मुश्किल होता है। इनकी ये बनावट इनके लिए दोनों तरह से फायदे की होती है। छिप जाने के कारण ये अपने शिकारियों से तो बच ही जाते हैं, और साथ साथ ये खुद भी शिकारी बनकर छिपकर अपने शिकार पर हमला कर देते हैं। ऐसे में इस कीड़े के शिकारी और शिकार दोनों ही इसे देख नहीं पाते। इसके अलावा इसकी एक खासियत और है, ये अपने सिर को 180 डिग्री तक रोटेट कर पाता है। इसके आगे के पैर नुकीले और मजबूत होते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा औजार इसके अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ढल जाने की कला ही है। अगर ये कीट जमीन पर गिर भी जाए तब भी ये अपने आप को अदृश्य बनाए रख में सक्षम होता है। इनका शरीर मिट्टी के हर शेड से मैच हो जाता है। हालांकि यहाँ एक बात ध्यान देने लायक है कि ये कीट गिरगिट के जैसे पूरी तरह अपना रंग या आकार नहीं बदलते। इनमें ये बदलाव प्रजातियों के बदलने और पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आसपास के वातावरण के बदलने से आता है। जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स अपनी पूरी जिंदगी ऑर्किड फ्लावर की तरह दिखते हैं, तो कुछ किसी लकड़ी या कांटे की तरह ही रहते हैं। अगर वे पत्तियों में रहते हैं तो पूरे हरे रंग के हो जाते हैं, मिट्टी के साथ पूरे काले और सूखे पत्तों के साथ उन्हीं के रंगों के हो जाते हैं। नौटंकी चिड़िया। जरा देखिए इसे, जब इसे किसी इंसान ने पकड़ लिया तो कैसे ये उसे डराने की कोशिश कर रही है। आमतौर पर जब भी कोई जानवर या पक्षी अपने आसपास खतरा महसूस करता है तब वो या तो अपने पंखों को फड़फड़ाता है, चोंच मारता है, या फिर वहाँ से फुर्र हो जाता है। लेकिन इन सब से अलग ये यूरेशियन राइनेक अपने बचाव का एक अलग ही तरीका अपनाती है। देखने में तो ये किसी आम पक्षी की तरह ही लगती है, मगर जब बात अपने बचाव की आती है तो तब इस चिड़िया का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। जैसे ही ये पक्षी अपने आप पर कोई खतरा महसूस करता है तो ये अपनी गर्दन को हर दिशा में उल्टा सीधा घुमाने लगता है। ये अपनी गर्दन कुछ इस तरह हिलाता है जिससे शिकारी जीव को लगे कि ये कोई सांप है। इतना ही नहीं, ये सांप की तरह हिस करना भी जानता है।
ऐसे में कोई भी जीव इस पर हमला करने का ख्याल भी मन से निकाल देता है। हालांकि ये हम इंसानों को तो चकमा नहीं दे सकता, मगर छोटे जानवरों को डराने के लिए इस पक्षी की इतनी मिमिक्री काफी है। और ये है समुद्री छलावा। आपने सी हॉर्सेस तो बहुत बार देखे होंगे, ये कई तरह के और कई रंगों में पाए जाते हैं। मगर अब हम जिन सी हॉर्सेस को आपको दिखाने वाले हैं, उन्हें देखकर आप कहेंगे चल झूठे। ये है पिग्मी सी हॉर्सेस, जिनका पता 70 के दशक में लगा। इसकी वजह साफ थी, ये पिग्मी सी हॉर्सेस अपने आप को समुद्री पौधे के रूप में ढाल लेते हैं। असल में ये जिस जगह पर रहते हैं वहाँ के पौधों के कलर, शेप और डिजाइन के हो जाते हैं, जिससे इन्हें पौधे से अलग देख पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। पौधा होने की नकल करने के कारण ये बड़े से बड़े दिग्गज शिकारी को भी चकमा दे जाते हैं। इनका साइज केवल 0.8 इंच का होता है, जिसके कारण ही वैज्ञानिकों को इनका पता लगाने में काफी समय लग गया। जनरली ये डार्क रेड या फिर ग्रे कलर के होते हैं। इनका रंग इस बात पर डिपेंड करता है कि ये किस पौधे पर रह रहे हैं। बिना स्पेशल डिवाइसेस के इन्हें देख पाना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। भ्रमित करने वाला फूल। ऐसा नहीं है कि हमेशा जानवर ही पेड़ पौधे और फूल होने का दिखावा कर सकते हैं। कभी कभी ये भी संभव है कि ये पेड़ पौधे किसी जानवर या कीट होने की नकल करें। जैसे कि इस ऑर्किड के फूल को ही देख लीजिए, इसे देखकर ये किसी मादा मधुमक्खी की तरह लगता है, जिसके कारण नर मक्खियाँ इन फूलों के झांसे में फंस जाती है। इन ऑर्किड्स में एक खास तरह की खुशबू आती है, जो कि कोइंसिडेंटली असली मादा मधुमक्खी में भी होती है, जिसके कारण इन नर मक्खियों को उल्लू बनाना और भी आसान हो जाता है। लीफ टेल्ड गेको। ये तस्वीर देखिए, आपको क्या नजर आ रहा है? सूखी हुई पत्ती या कुछ और? वास्तव में फोटो में सूखी पत्तियों के बीच एक जिंदा जीव है, लेकिन पहली नजर में ये सूखी पत्तियों से अधिक कुछ और नहीं लगती। सूखे हुए पत्तों जैसा दिखने वाला ये जीव है लीफ टेल्ड गेको। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इसका नाम इनकी चौड़ी फ्लैट पत्ती जैसी पूंछ के नाम पर रखा गया है, जो इसके पैरों के बीच से होती हुई फैल जाती है। दरअसल ये एक सैटेनिक लीफ टेल्ड लिजार्ड है। ये छिपकली मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। इसकी पूंछ भी एक पत्ती की तरह ही होती है, जो इसे पतली शाखा पर बैठने और आसपास के वातावरण में ढलने की क्षमता देती है। इनकी त्वचा आमतौर पर इस तरह से बनी होती है कि ये पेड़ों की छाल या सूखे पत्तों जैसी दिखाई देती है। अब तक इस छिपकली की 8 अलग अलग प्रजातियां खोजी गई हैं, जो कि आकार में 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती हैं। इनके इतना आकर्षक और अद्भुत होने के कारण ही इनको अवैध रूप से पकड़ा जाता है, जिसके कारण WWF यानी वर्ल्ड वाइड फाउंड फॉर नेचर ने इन जीवों को विलुप्त प्रजातियों की लिस्ट में शामिल कर दिया है। तो साथियों, इसलिए ही तो कहते हैं कि जो जैसा दिख रहा है जरूरी नहीं कि वो वैसा ही हो। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा, ठहरा, बाय बाय।